आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहाँ रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहाँ पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी, उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है, बाकी 14 कंपनियां वो नूह में स्थित हैं और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां जिसमें स्टेट पुलिस, IRB, HAP बटालियंस वो वहां पर अलग अलग ज़िलों में जो है तैनात की गई हैं। साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज थे जो मधुबन में विभिन्न कोर्सेज में आए हुए थे उनको भी बुलाया गया और उनकी भी जो है ड्यूटी लगाई गई। जो ये FIRs हैं इसके बारे में अलग अलग SITs बनाए जा रहे हैं और हर SIT को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। कर्फ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है ताकि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूध इत्यादि खरीद सकें और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पे भी नज़र रखी जा रही है। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कई अधिकारी नूह में और अन्य जगहों पर कैंप कर रहे हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं, ADG साउथ रेंज हैं, IG लॉ एंड ऑर्डर हैं, DIG STF हैं, कई डिस्ट्रिक्ट SPs भी कुछ हमने बुलाए थे और वो सब लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं, लगातार जो है स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाएगा। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का कोई जो है इस तरीके का अवसर नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये नूह में है, नूह में 41 FIR है, उसमें 116 आदमी पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूह में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी जो है उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने पेन इंडिया पे आज प्रोटेस्ट की बात की है, उसको लेके पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, किस तरीके के इंतजाम है पुलिस के? सभी जगह हम लोगों ने सख्त हिदायत दी है, जैसे भी ये कॉल हुआ है। इसके अलावा भी चूँकि इस तरह की घटना है उसकी प्रतिक्रिया होती है तो उसके बारे में लगातार हम जो है सचेत हैं और सबको, सभी डिस्ट्रिक्ट SPs को, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को, रेंज IGs को, ADGs को, DCPs को ये सख्त हिदायत है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी रखें, जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे पुलिस प्रेजेंस रखें और कोई भी उपद्रवकारी है या कोई भी शरारती तत्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाए। सर, पुलिस के कुछ जवान थे जिनको चोट लगी थी इस पूरे मामले में और अब किस तरीके के हालात उनके, कितने लोगों को लगी थी इसमें चोट और बुलेट इंजरी कितने लोगों को हुई? हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि जैसे आपको पता है हमारे 2 जो है होमगार्ड के जवान वो शहीद हुए थे, उनके वो जो है ड्यूटी पे उन्हें चोट लगी थी, उनकी मृत्यु हुई है, उनको विभाग जो है अपने तरफ से श्रद्धांजलि भी देता है और उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
इसके अलावा करीब 19-20 और पुलिस के मुलाजिमों को ड्यूटी के दौरान चोटें लगी थी, उनमें से ज़्यादातर ठीक हैं, कुछ एक अभी उपचाराधीन है, मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। गोली कितने पुलिसकर्मियों को लगी थी, गोली से कितने लोग घायल हुए थे उस दौरान? ऐसा है कि अब एग्जैक्ट डिटेल ये कह पाना कि कितने थे, बल्कि एक हमारे अधिकारी थे उन्हें पेट में या रीढ़ में गोली लगी थी, इसके अलावा एक दो लोग और हो सकते हैं जिन्हें छर्रे वगैरह लगे हों। डिटेल ऑफ जो है इंजरीज ये तो ऑफ हैंड कह पाना मुश्किल है, किंतु जो भी हैं वो उपचाराधीन है और कई उनमें से ठीक हो चुके हैं। ऊपर मोनू मानेसी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी पटौदी में, और उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार उसने लोगों को ये भी कहा था कि वो मेवात इस यात्रा में शामिल होगा, और उसके बाद ये पूरे हालात बने। मोनू मानेसी सर की गिरफ्तारी कब तक सर देखे हैं? ऐसा है कि जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी, और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने जैसा कहा जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या पुलिस के पास गुरुग्राम को सेफ रखने के लिए कोई प्लान है? आईटी हब है गुरुग्राम, बहुत बड़ा, लड़के लड़कियाँ यहाँ काफ़ी होते हैं, ऐसे में दंगा बढ़ा सकता है, इसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं सर? देखिए, कुल मिला जुला के जो शहर है उसमें एक घटना हुई थी एक मस्जिद की, उस पर केस दर्ज हुआ है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसके 4 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कुछ बाहरी क्षेत्रों में बादशाहपुर के तरफ, सोहना के तरफ कुछ घटनाएं हुई हैं, उनमें भी प्राथमिकी दर्ज हुई और शीघ्र अतिशीघ्र उसमें सभी में जो है कानूनी कार्रवाई होगी, हो भी रही है, कई केसेस में राउंडअप भी हुए हैं लोग, कुछ के खिलाफ निवारक जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये मैं आश्वासन देता हूँ। 27 जुलाई को मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें चल रही थी, क्या मानते हैं कि मेवात पुलिस की इंटेलिजेंस का लैप्स है, ये उसी की वजह से ये हिंसा हुई है लोगों में? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेव्ड एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज नॉर्मल। सर, क्या आप मानते हैं ये प्री प्रायोजित था सारा कुछ? ऐसा है, जैसे मैंने कहा आपको कि षड्यंत्र है या जो भी है, ये इस पे अटकलें लगाने किए जाए, जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और जो 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 सबूतें मिलेंगी उनके आधार पे बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि गुरुग्राम के कुछ मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, उनको बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मॉल बंद किया गया है या किसी भी प्रकार से किसी भी दफ्तर गुरुग्राम में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जहां कोई मॉल बंद किया गया हो। यदि इस तरह की कोई सूचना है या इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। गुरुग्राम पूरी तरीके से सुरक्षित है और मैं आश्वासन देता हूं कि यहां किसी किस्म का कोई बलवा या कोई इस तरह की घटना होने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रवासी लोगों को निशाना बनाया गया है, प्रवासी मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, तो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जाएं ताकि उनको भी विश्वास रहे कि गुरुग्राम उनके लिए सुरक्षित है? ऐसा है, मैंने जैसे कहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, कुछ शरारती तत्व इस तरीके के घटनाओं का मौके का फायदा उठा के प्रयास करते हैं, कुछ केसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन उन सबसे सख्ती से निपटा जा रहा है और लगातार पुलिस जो है वो ये प्रयास कर रही है और काफ़ी हद तक सफल हुई है कि स्थिति जो है बहुत जल्दी परसों के बाद कल और आज में लगातार स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है।